तो आपको उसमें करने का नहीं, मैंने उसको सिर्फ बाल्टी में डाल के साइड में रख रहा था, दो तीन बुजुर्ग पड़े थे, बोले बेटा इसको नाले में डाल के बोले कह रहे आप कूद जाओ, तो आप कूद जाओगे क्या? ऐसे कोई आपको एक दूर कार्रवाई होगी, आपको फ्रेश भी करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं उस खिलाफ को घुमाता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ। ऐसा है, मैंने सिर्फ मैं कुछ नहीं, आपको ये गवाह है, अभी 10 आदमी गवाह है, जब ये आदमी आ गया, अगर नहीं आते तो फिर आदमी कार्रवाई करना मान लो, मैंने किसी के कहने का कोई भी बात न काट जो है, उसने मुझे दो तीन बुजुर्ग आज हमारे पीपल का पेड़ है चौराहे पे, इस पर एक अजगरा सांप निकला, जिसको हमने सूचना वन विभाग वालों को भी दी। वन विभाग वाले आ गए, मौके पे मौजूद हो गए, उसके बावजूद दुकानदार अपने थानेदारी करके बाल्टी के अंदर सांप पकड़ के मना करने के बावजूद मेरे घर के अंदर ये नाले में डाल के गया और उसको समझा रहे हैं, तो लड़ने पर आमादा हो रहा है, मेरा कोई क्या कर लेगा? वन विभाग के आदमी मौजूद हैं, 3 फुट का सांप है, मोहल्ले की लड़की एक्टिवा लेके गुजर रही थी, वो खुद सांप को देख के गाड़ी समेत गिर गई, उसके बावजूद अपनी एकता दिखाने के लिए फालतू कर रहा है। उससे कोई जाना नहीं हो सकती थी, आपके वहाँ डालो नहीं। आज वो सांप है मेरे घर के नीचे आ रहा, सांप किसी बच्चे को खा जाएगा, कोई मर गया, कोई गिर गया, कौन जवाबदार बनेगा उसका? वन विभाग वाले आ गए थे यहाँ पे, वन विभाग वाले मौजूद थे, उसके बावजूद उसने हरकत करी है बाल्टी गन, ये अपनी जबरदस्ती तानाशाही चला रखी है इन लोगों ने, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये वन विभाग की संपत्ति, वन विभाग वाले अपना अपने स्तर पर छोड़ के आते, वन विभाग वालों को हमने सूचना कर दी, वो आ चुके थे, उसके बावजूद ये आदमी अपनी अधर्मिता दिखा के, अपने आदमियों के बाहुबल पे दिखा के जबरदस्ती मेरे घर के नीचे नाले में डाल के गया है। घटना किस जगह की है? ये घटना प्लाजा चौराहे की है, प्लाजा पीपल का पेड़ है, इसके यहाँ निकला छोटे के ठेले के नीचे निकला सांप, जबकि ये सुबह से निकला हुआ, हम सब चौकीदारी कर रहे थे, वन विभाग वालों को हमने सूचना दी है कि भाई आओ ये सांप पकड़ के ले जाओ, ये वन संपदा है वहाँ पर छोड़ो। इस आदमी ने अपनी जबरदस्ती तानाशाही दिखाने के लिए, ये अजंता ट्रेडर्स वाला है, इनका लड़का है, ये नारियल की दुकान, ये इसने अपनी अधर्मिता दिखा के इतने करी हरकत है। मेरा नाम महेंद्र सिंह कटारिया, मैं उत्तर ए ब्लॉक का महासचिव हूँ कांग्रेस का जी। आज पब्लिक ने वन विभाग को सूचना की थी सर, वन विभाग के अधिकारी सब आ गए थे, उसके बाद भी क्या घटना हुई थी? ये घटना ये हुई कि ये उसको रेस्क्यू भी कर लिया था, बाल्टी में ले भी लिया था, और ले जाने लगे तो ये दुकान है इनकी अजंता ट्रेडर्स, तो ये भाई साहब आए और बाल्टी को लेके नाले में डाल दिया, जब पानी से बह रहा और उसको अजगर को रवान कर दिया गौड़ हाईकोर्ट का। और यहाँ आम पब्लिक की भी, इनों की भी आप देख लो, ये सारे साथ हैं इस मामले में, सब वन्य प्रेमी हैं, सारे बिल्कुल चाह रहे हैं, और इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो लेंगे कार्रवाई। क्या लगाओगे इसमें? वन्य जीव संरक्षण में और राजकार्य में दोनों में आएगी। राजकार्य में बाधा डाली उन्होंने? हाँ, राजकार्य में ये मेन तो यही है, और राजकार्य था ही, और राजकार्य हम कर रहे थे। दूसरा है कि वन्य जीव का मामला भी है, तो उसमें होगा, जो भी नियमानुसार होगी वो कार्रवाई होगी। आपका नाम? आपका सत्यनारायण शर्मा, बनपाल, अजमेर।